नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर्मेशन और मैं हूँ सांत्वना आपके साथ। जो लोग घूमने के शौकीन हैं और अपनी भागती दौड़ती जिंदगी से कुछ वक्त चुराकर सुकून के पल जीना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। बता दें कि बिहार के वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व को 15 अक्टूबर से खोल दिया जाएगा, यानी कि 15 अक्टूबर से बिहार के वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में पर्यटनों के लिए सेवाएं उपलब्ध करा दी जाएगी। अब पर्यटक बिहार के वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में 15 अक्टूबर से घूम सकते हैं, वहाँ जा सकते हैं और वहाँ के नज़ारे का लुत्फ़ उठा सकते हैं। साथ ही साथ आप पटना से भी इस पूरे टूर पैकेज की बुकिंग भी करा सकते हैं। क्या कुछ खास है और क्या कुछ जानकारी है इसके संबंधित, आइए इसकी पूरी बात आपको बताते हैं। बिहार के वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व की खुली वादियां और प्रकृति का सौंदर्य देखने की पर्यटकों की हसरत 15 अक्टूबर से पूरी हो जाएगी। 15 अक्टूबर से वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व की इको टूरिज्म सेवा को सैलानियों के लिए खोल दिया जाएगा। कोरोना महामारी के लंबे समय बाद VTR में अब रौनक लौटने लगी है। पर्यटक कोरोना के कारण कैद हुई जिंदगी को खुले आकाश की ओर ले जाने लगे हैं, ताकि मायूसी और निराशा को अलविदा कह सके। VTR के भ्रमण पर आने वाले सैलानियों के लिए वल महकमा नया टूर पैकेज लेकर आया है, जिसमें पटना से वाल्मीकि नगर तक सैलानियों के लिए आसान सफर का पैकेज रखा गया है। VTR घूमने वाले सैलानियों को इस टूर पैकेज के शुरू होने में से सहूलियत मिलेगी। यात्रा के दौरान सैलानियों को कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना पड़ेगा। प्रस्तावित मार्गों में शामिल सभी आवश्यक सुविधाएं वर्तमान प्रस्तावों के अनुसार होंगी। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में भ्रमण के लिए 22 अक्टूबर से इको टूरिज्म पैकेज की शुरुआत हो रही है। इसके लिए तीन तरह का पैकेज की शुरुआत की जा रही है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग और बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की ओर से इसका शुभारंभ किया जा रहा है। इससे पहले 2 दिन का टूर पैकेज हुआ करता था, जिसमें शनिवार और रविवार शामिल था। पहले टूर पैकेज के तहत पटना से बस खुलती थी, जो पटना से वाल्मीकि नगर के लिए जाती थी, लेकिन अब वाल्मीकि नगर पर्यटन को और बढ़ावा देने के लिए 2 अतिरिक्त पैकेज इस नए पर्यटन सत्र से प्रारंभ हो रहे हैं। इस पैकेज में आने जाने से लेकर भोजन, ठहरने और घूमने की सुविधा भी शामिल है। पूर्व में पटना से वाल्मीकि नगर के लिए टूर पैकेज का शुभारंभ हुआ था। इस पैकेज के तहत सैलानी 1 रात और 2 दिन वाल्मीकि नगर का आनंद उठाते थे, लेकिन अब नए पैकेज में सैलानियों को वाल्मीकि नगर में 2 रात व 3 दिन रहने का मौका मिलेगा। इस पैकेज के तहत पटना से प्रत्येक शुक्रवार को 2 बसें खुलेंगी, एक पटना मंगूराहा पटना भाया वैशाली, जो 3 दिवसीय होगा। शुक्रवार, शनिवार और रविवार का समय निर्धारित किया गया है। दूसरा पटना वाल्मीकि नगर पटना भाया वैशाली 3 दिवसीय शुक्रवार, शनिवार और रविवार को होगा। इसके लिए सैलानियों को ₹4,500 प्रति पर्यटक देना होगा। हालांकि पूर्व से संचालित 2 दिवसीय टूर पैकेज भी चलता रहेगा। यह पैकेज जॉब करने वालों लोगों के लिए खास तौर पर बनाया गया था, जिसे इस वर्ष भी सुचारू रूप से चलाया जाएगा। पहले की ही तरह पटना से वाल्मीकि नगर के लिए शनिवार को बस व रविवार को वापस चली जाएगी। इस पैकेज के लिए पर्यटक को प्रति पर्यटक ₹3,000 देना होगा। इसके अलावा बेतिया, वाल्मीकि नगर व मंगूराहा के लिए 1 दिवसीय पैकेज का भी शुभारंभ होने जा रहा है, जिसमें प्रत्येक पर्यटक ₹1,200 देकर पर्यटन का आनंद ले सकेंगे। वन संरक्षक सह क्षेत्र निदेशक हेमकांत राय ने बताया कि जहां पर्यटकों के ठहरने की व्यवस्था है, उस जगह को प्रमोट करते हुए VTR में आने के 3 मुख्य प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। वाल्मीकि नगर में पर्यटक इको पार्क, जंगल सफारी, कैंटर सफारी, साइकिल सफारी, गंडक बोट, वाल्मीकि आश्रम, कौलेश्वर झूला, गंडक बराज, हाथी शेड, धार्मिक स्थलों को देख सकेंगे। दूसरा प्रवेश द्वार मंगूराहा को बनाया गया है, जहां जंगल सफारी, लाल भीतिया सनसेट पॉइंट, भीतिरहवा, गांधी आश्रम, सोफा मंदिर जगहों का पर्यटक आनंद ले सकेंगे। तीसरा गोवर्धना है, जहां जंगल सफारी, वाटरफॉल, परवेदा का पर्यटक आनंद ले सकेंगे। बता दें कि बिहार के वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व को 15 अक्टूबर से पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा, यानी कि 15 अक्टूबर से वहां पर्यटन की विभिन्न सेवाएं शुरू कर दी जाएंगी, जिनका बिहार के लोग और बिहार से बाहर से आने वाले लोग भी उसका लाभ उठा सकेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। अन्य कई अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहे न्यूज़ फॉर नेशन में। नमस्कार।